अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आशिम है और मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने YouTube चैनल उर्दू अकेडमी इंडिया में। हमने जो अब तक सबक और पाठ पढ़ लिए थे, अब हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये लिखा है काफ गाफ लाम मीम हे की मिलावट। ये काफ है और ये इस तरीके से और ये इस तरीके से बनता है। पहला तरीका ये है जिससे कब लिखा है और पहले ही तरीके से लिखा है किस, और दूसरा तरीका ये है इससे का लिखा है और कुल लिखा है। ये गाफ लिखा है, ये दो तरीके से बनता है जैसे काफ आपको ऊपर बताया था। ये पहला तरीका है जिससे गर लिखा है और ये पहले वाले तरीके से ही यानी इस तरीके से ही ये गप लिखा है, और ये दूसरा तरीका है जिससे गा लिखा है और दूसरे तरीके से गुल लिखा है यानी फूल। ये लाम है, ये इस तरीके से बनता है। ये देखिए, ये ऐसे करके ऐसे ले गए, ये ऐसे ही बना है जिससे लग लिखा है, और इसमें देखिए ये लाम है, ये ऐसे ही बना हुआ है ऐसे जैसे ये बना हुआ है जिससे जलना लिखा है, और ये देखिए ये ऐसे ही बना हुआ है जैसे ये शेप है इसका, इससे ये ला लिखा है, और फिर ये देखिए ये लाम इसमें ऐसे मिल गया, ये लिखा है जलाता। ये मीम लिखा है और ये मीम दो तरीके से बनता है। ये देखिए पहला तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है। पहले तरीके से लिखा है मत और पहले तरीके से लिखा है मन। दूसरे तरीके से लिखा है माजिद और दूसरे तरीके से लिखा है मालिक। ये हे लिखा है, ये हल देखिए, ये पहले तरीके से लिखा है जैसे कि ये बना हुआ है, ये देखिए, और हम ये दूसरे तरीके से लिखा है, देखिए ये बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है देखिए। फिर ये शहर है, ये तीसरे तरीके से लिखा हुआ है, और सहल लिखा है यानी आसान या आसानी। ये हे का ही रूप है, ये दो तरीके से और लिखा हुआ है। इसको हम ये पढ़ते हैं, इसमें ये ऐसे ये लिखा हुआ है, ये हे बना है ये के साथ, और ये भी हे बना है ये जिससे ये वजह लिखा है। ये चौथा तरीका है, जगह लिखा है, ये भी चौथा तरीका है यानी ये वाला, और ये ना लिखा है, ये भी चौथा तरीका है। तो चलिए आजकल ये यहीं तक रुकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।